आपको ले चलूंगा ऐसी जगह पे जहाँ अभी तक कोई गया नहीं है, इंसान उस जगह पे नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ आइए, आपको दिखाऊंगा कि हम किस जगह जा रहे हैं। वो जगह बहुत ही अलग है, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। जल्दी आइए, चलो। ये देखिए, ये इंसान की वो चप्पल है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आदि मानव ने कहीं पर पहनी होगी, और ये चप्पल आज भी यहीं पे है। और ये विरासत है उन जंगलों से आई हुई उस आदि मानव की, वो चप्पल और भी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए मेरे साथ चलिएगा। जब जंगल में आपको कुछ नहीं मिले तो आप कुछ भी खा सकते हैं। ये झाड़ फूल पत्तियां आप किसी भी तरह से खा के और अपना काम चला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जंगलों में कुछ भी नहीं मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो हर चीज़ बताना जरूरी है कि अगर आप जंगल में जाएं तो आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। ये देखिए, एक बहुत बड़ा पेड़ है और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मुझे चढ़ना ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चढ़ना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊँगा, ये वो मिट्टी है, ये वो आदि मानव वाली मिट्टी है। इस मिट्टी को आप देखिए गौर से, ये वही मिट्टी है जब वो हड़प्पा सभ्यता में जो खोदी गई थी, ये वही मिट्टी है जो यहाँ पे आज तक पड़ी हुई है। और देखिए आप किस तरह से इंसान को सर्वाइव करने के लिए जंगलों में बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे जैसे मिट्टी, पेड़, पहाड़, पौधे, हर चीज़ उसके लिए काम की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाना पड़ेगी। पानी की बात करें तो अभी इस जगह हम वहाँ से पानी बहुत दूर है, और वहाँ तक जाने के लिए हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करके बिल्कुल हम कोशिश करेंगे नीचे तक जाने की, और कैसे हम नीचे जाएं और पानी तक पहुँचे, ये सब छोटी चुनौती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से नीचे जाना है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आसपास ही पानी है, जिस तरह से देखिए यहाँ पे ट्रक के टायरों के निशान हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आसपास पानी है। और ये देखिए जोर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो पानी है, ये पानी जिसके हमने आपको बताया था कि कैसे इस पानी तक पहुँचना होगा। पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी प्यास बुझ गई, घने जंगल में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं शेर के पंजों के निशान भी हैं। देखिए आप किस तरह से पानी के लिए यहाँ पे जब शेर आए होंगे तो उसके पंजे के जो निशान है, वो छोटा शेर का बच्चा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं शेर ही हो, क्योंकि जिस तरह से पंजे हैं यहाँ पे मुझे, और उसके बाद फिर क्या, शेर के पंजों के पास आदि मानव भी, और देखिए अब कितना बड़ा पंजा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो आदि मानव का पंजा है जो यहाँ पे पहुँचा है। तो ये पंजों को देखें आप कि जिस तरह से यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आदि मानव भी आया होगा पानी पीने, इतना बड़ा पानी का ये जो बीच जंगल में जो है, देखिए आप, मुझे ऐसा तो आदि मानव ने, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये शराब का जो गिलास है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि शराब भी सेवन करी हो आदि मानव के पंजे से। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी पिया होगा और शराब पी होगी और अपनी पार्टी इंजॉय की होगी। तो घने जंगलों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से घने जंगलों में आप सर्वाइव करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब दिखाना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन सोनू के साथ।